हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं वापस और इसके बाद मैं रिव्यू करने वाला हूं यहां पर एक टाटा सफारी आर के चंडीगढ़ से। सहजी की है वो सफारी। सहजी भाई हमको दिखाएंगे कि किस तरह से उन्होंने सेटअप बनाया हुआ है, तो पूरे सेटअप का करते हैं रिव्यू। और इनकी गाड़ी भी मुझे बहुत शानदार लगी, इन्होंने अच्छा सेटअप किया हुआ है प्लानिंग के साथ, बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा। तो देखते हैं सहजी भाई से कैसा सेटअप है इनका। सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए, वैसे मैंने नाम बताया फिर भी आप बता दीजिए, और आप कहाँ से हैं और आप आपका पर्पस, आपका इंटरेस्ट कार कैंपिंग में क्या है, कितनी कैंपिंग कर चुके हैं और आपका सेटअप के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम है शेजी और मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ। और कैंपर वैन का मेरा रीज़न ये था, जैसे मैं ट्रैवल करता रहता हूँ, एग्जैक्टली मैं कैंपिंग बहुत कम करता हूँ बट ट्रैवल करता हूँ, कहीं भी जाना हो तो सब रीज़न ये था इसको कैंपर वैन बनाने का कि कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूँ ना तो मैदे की रोटी मिलती है मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे मैंने अभी लद्दाख ट्रायल कंप्लीट किया था तो वहाँ पे मैगी, मैदा, मैगी और मैदे की रोटी। तो मेरा यही था कि अगर मैं कुछ भी खा रहा हूँ तो मैं खुद कुक करूँ और उसको बनाऊँ और वो इजीली एक्सेस मिले मुझे। और अगर मतलब कई बार ऐसा होता है कि जगह अगर आप माउंटेन साइड हो या लद्दाख साइड हो तो रास्ता बंद कर देते हैं वहाँ पे और वो भी आपको पता नहीं होता, और हमारे साथ ऐसा हो चुका है। तो कार में सोने के अलावा आपके पास या तो टेंट होना चाहिए या फिर रूफ टॉप टेंट होना चाहिए, अदरवाइज़ आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। मैं बेसिकली उधर की बात कर रहा हूँ, लद्दाख साइड की, क्योंकि ऐसा हो चुका है। तो यही रीज़न था इसको कैंपर वैन बनाने का कि कार अगर रेडी रहेगी फॉर लाइक कुकिंग और स्लीप तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा मुझे, तो ये रीज़न था इसको बनाने का। तो अब चलते हैं फिर आपका सेटअप भी देख लेते हैं। यस, पूछिए क्या दिखाना है सबसे पहले आपको। सबसे पहले आप हमें किचन दिखाइए, किचन किस तरह सेटअप की हुई है। किचन बहुत ही सॉर्टेड है मेरा, ये प्लाईवुड यूज की हुई है और इसमें ड्रॉर्स बनवाए हुए हैं। कितने एमएम की प्लाईवुड? ये 18 mm की प्लाईवुड है, वही जो लाइक एंटीवायरस होती है एंड वाटर रेपलेंट जो भी होता है। और इसके ऊपर कुछ नहीं किया हुआ ज़्यादा, पेंट किया हुआ ब्लैक पेंट, और मैंने इसके ऊपर ये फ्लोरिंग मैट होता है ये लगाया हुआ है। और ये बेसिकली डोर नॉकर्स होते हैं, तो मैंने इसको डोर कवर्स पुल करने के लिए लगाया हुआ है। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगाए हैं शेजी भाई ने। और साइड में मैंने बनाया हुआ इधर चॉपिंग बोर्ड, और इस पे मैंने ये अपना चॉपिंग बोर्ड रखा हुआ है, बड़ा क्यूट सा आपका, छोटा सा कॉम्पैक्ट सा। यस, अच्छा सिंगल पर्सन के हिसाब से वैसे बहुत सही है। यस, मैं मोस्टली मैं ही अकेला लाइक सोलो कैंपिंग करता हूँ या फिर मेरे साथ मेरे ब्रदर्स होते हैं जो जब भी होते हैं। इधर अपना ये आ गया बुटेन गैस स्टोव, और इधर ये बर्तन वगैरह आते हैं जो कि मैंने अभी बाहर निकाल के रखे हुए हैं। और लेफ्ट साइड खाने पीने का सामान आ जाता है। तो मसाले वगैरह तो मैं ज़्यादा रखता नहीं हूँ, जो मतलब इजी टू ईट है फूड लाइक पोहा, ओट्स, एग्स एंड ऑल बटर वगैरह, क्योंकि मुझे कुकिंग आती नहीं है तो जो जल्दी बन जाता है मैं वही बनाता हूँ। और ये कुछ मेरा ये सेटअप है। ये एक मिनट क्लोज करिएगा, ये क्या चीज़ है, ये सपोर्ट है किस लिए? जुगाड़ है ये। अच्छा। इसकी सपोर्ट के लिए बनाया हुआ है। अच्छा। क्योंकि एक तो इसकी जो वेट है ना बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब यहाँ पे फिर इसको प्रॉब्लम नहीं होती। अच्छा। अंदर बाहर होने में दिखाते हैं सपोर्ट किस तरह से दी जा रही है यहाँ पे। इधर से इसको सपोर्ट मिल जाती है ये ऐसे, तो ये एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है। और यहाँ पे कुछ भी रख लो, क्योंकि अगर सारा सामान मैंने बाहर निकाला हुआ है देन मैं चॉपिंग यहीं प्रेफर करता हूँ। और ये सेम बोर्ड उधर भी है कि अगर आपको कुछ लाइक बर्तन वगैरह रखने हैं, चाय बना रहे हो, कॉफी बना रहे हो, जो भी कुकिंग कर रहे हो तो आप इजीली सामान यहाँ पे रख सकते हो। उधर तो भी आपने सपोर्ट दे रखी है? बिल्कुल सेम सपोर्ट दी हुई है। और ये टेढ़ा नहीं होता इसकी वजह से? नहीं, नहीं, ये देखो ये यहाँ पे लगा दिया और ये स्टेबल है पूरा का पूरा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो इजीली यहाँ पे सामान रख लो, इधर रख लो, पूरा सॉर्टेड है सीन। और साइड में भी स्पेस है थोड़ी थोड़ी, इधर भी स्पेस है। और वहाँ पे मैंने लाइक वॉशरूम से रिलेटेड चीज़ें रखी हुई हैं, यहाँ पे डिस्पोजेबल प्लेट्स, कटोरियाँ रखी हुई हैं। ये आपने पार्टीशन दे रखा है बीच में? ये पार्टीशन है और ये भी रिमूवेबल है, रिमूवेबल है। इसको मैं रिमूव कर सकता हूँ या फिर इसको एडजस्ट करके आगे पीछे कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है सामान बड़ा होता है, सपोज ये ट्रे अगर बड़ी होती फिर इसको निकालना पड़ता। बिल्कुल हाँ, तो ये भी रिमूवेबल है, तो ये सिंगल बन जाता है, अदरवाइज पार्टीशन तो है। ये भी रिमूवेबल है? नहीं, ये रिमूवेबल नहीं है, ये स्टोव की वजह से मैंने इसको फिक्स करवा दिया था, क्योंकि नहीं तो ये स्टोव हिलता है ना फिर कार चलती है। तो स्टेपनी इसके नीचे है?
या इसका इसकी कार की जो स्टेपनी अच्छा, है वो बाहर से है, एक्सेस से इजीली हो जाता है, इजीली हो जाता है, तो उसमें कोई आपको। अब इसके पीछे एक सीक्रेट स्पेस है, वो मैं आपको अंदर से दिखाऊंगा। ये तो थी स्पेस बाहर की, अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ। आपको यहाँ पे ना थोड़ी स्पेस दिख रही होगी, ये इधर जी, ये इतनी नहीं है, ये काफी स्पेस है, मैं इस साइड से आपको दिखाता हूँ। तो अभी हम आ गए हैं गाड़ी के बैक डोर में, रियर डोर की तरफ। यहाँ पे इनका बेड है, अभी इसको बेड को ना ऑलरेडी सेट किया हुआ है। हाँ। रात सो गया था और फिर मैंने इसको फोल्ड नहीं किया, तो अब मैं आपको बताता हूँ। देखो इधर नीचे स्पेस है, अगर आपको लाइक वो पोर्टेबल टेंट होता है, वॉशरूम टेंट होता है, हाँ। वो रख सकते हो। यहाँ पे मैंने ये थोड़ा स्पेस है, ये वाटर स्टोरेज बैग है, ये रखा हुआ है। और इसके पीछे आप देखोगे की कितनी ज्यादा स्पेस है। लाइट ऑन करके दूं? हाँ कर दो अगर है तो। तो ये यहाँ पे भी इनके स्पेस है, काफी ज्यादा स्पेस है। और जो मेरे ड्रॉर्स हैं उसके नीचे भी काफी स्पेस है, उसके नीचे मैंने टूल बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं, जो बैटरी की जम्पर केबल्स होती हैं वो रखी हुई हैं, एंड ऑल मतलब कुछ काफी कुछ स्टफ रखा हुआ है। और खाने पीने का इधर भी आ जाता है, और अगर मुझे यहाँ पे लगेज बैग रखना है वो भी इजीली आ जाएगा, बट वो मैंने आगे रखा हुआ है, इजी एक्सेसिबल रहता है। और आगे लेग रूम में भी इधर भी काफी स्पेस है, ये देखो आप देख सकते हो नीचे की साइड, ये इधर, मतलब यहाँ पे इन फ्यूचर अगर मुझे इन्वर्टर रखना है या फिर फ्रिज रखनी है कुछ, हाँ, इस तरह का कुछ भी सामान, तो वो इजीली रख सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह बनाया था कि मुझे स्पेस ज्यादा मिल जाए और बहुत सही रहे। और ये इसका मैट्रेस है, तो मैं अभी आपको बेड पहले अनफोल्ड करता हूँ, देन मैं आपको फोल्ड करके दिखाऊंगा। श्योर श्योर। ये कितना लेंथ है इस बेड की? 6 feet 3.5 साढ़े तीन फुट है। वो साढ़े तीन फुट का रीजन ये है कि इसकी जो साइड्स है ना, यहाँ पे ये कप होल्डर्स हैं, थर्ड रो के लिए कप होल्डर्स हैं, यूएसबी पोर्ट है और एसी के वेंट कंट्रोल्स हैं। इस अच्छा। वजह से जो इसकी ये विड्थ है ना कम हो गई है, साढ़े तीन है, यस 6 feet साढ़े तीन है, दो अडल्ट मगर आ जाते हैं, क्योंकि इसका जो मैंने फ्रंट का पार्ट रखा है ना वो थोड़ा साइड से चौड़ा करवा दिया था, जिससे कि लाइक दो अडल्ट सो सकते हैं, मतलब ये आगे से अभी दिखाता हूँ आपको। और ये मैट्रेस में फॉर्म है क्या है ये फॉर्म की? कितना 2 inch का वो है, नॉट मेमोरी फॉर्म बट अच्छी क्वालिटी वाला फॉर्म है, मे बी 40 डेंसिटी है इस फॉर्म की। अच्छा अच्छा, तो ये भी फोल्डेबल है पूरा। तो ये अभी बेड फोल्ड कर रहे हैं, ये मेरा मैट्रेस फोल्ड हो गया और इसको मैं पीछे कर देता हूँ, ये ऐसे पीछे चला गया। और ये बेड है, इसको मैंने ये देसी जुगाड़ किया हुआ है, कर्टन्स के पाइप होते हैं यहाँ पे, ये रिंग इसको वेल्ड करवाया हुआ है और इसकी यहाँ से सपोर्ट मिल जाती है, तो दोनों साइड पाइप्स हैं। अगर आप एक बार निकाल दोगे तो इसको मैं रिमूव कर दूंगा, एक बार पाइप को लूज कर दो। हो गया इजीली हो जाएगा वो तो, हो जा रहा है इजीली, कस तो नहीं रहे हो? हाँ, ये पाइप रिमूव हो चुका है दोनों, कर्टन का पाइप है जो उन्होंने सपोर्ट में दे रखा है, अंदर थ्रेड है दी उसमें इन्होंने लगा दिया थ्रेड वाला, इस पे बोझ चढ़ा के बहुत वेल्ड करा दिया इसको, बहुत बढ़िया। रख दो गद्दा, रख दो। तो ये इनका बॉक्स जो है अनफोल्ड हो गया है, सॉरी फोल्ड हो गया है और एक बॉक्स बन गया। इसके बाद यहाँ से ये जो 18mm की प्लाई थी इसको मैंने जॉइंट करके एज अ सपोर्टर रखा हुआ है, कि जो उसका जॉइंट आ रहा है बीच में उस पे ज्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, तो इसको मैं इजीली यहाँ पे रख देता हूँ। अब देखो यहाँ पे स्पेस आपको दिख रही होगी, यहाँ पे स्पेस दिख रही है, यहाँ पे मतलब लगेज बैग रख लो या कुछ भी रख सकते हो एक्स वाई जेड आप, तो काफी स्पेस है इधर भी। तो ये अभी सीटें जो हैं इन्होंने ऊपर कर दी हैं, पूरी बैक सीट भी लगी हुई है, उसके बावजूद भी ये स्पेस है। और पीछे इनका बॉक्स है जो मैंने आपको दिखाया था, पीछे भी अच्छा खासा स्पेस है। ये देखो यहाँ पे सामान रखा हुआ है, बहुत बढ़िया। तो ये अब हम आगे की तरफ आ गए हैं, ड्राइवर सीट और को ड्राइवर पे। जैसे कि मैंने आपको बताया था सेकंड रो में भी मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया हुआ है, आप लगेज रखना चाहते हो लगेज रख सकते हो। और ये देखो ड्राइवर सीट मेरी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रखी है, मेरी हाइट 5'10" है और आप इजीली बैठ सकते हो, इवन आप भी बैठ सकते हो। और यहाँ पे मैंने सामान रखा हुआ है वो इसलिए क्योंकि मैंने जो बेड है वो अपना सेट किया हुआ था कि मेरा जब मन करेगा मैं लेट जाऊँगा और मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ेगा। ये मेरा मेन लगेज बैग है जो आगे आ गया, इसमें मेरे क्लोथ्स वगैरह हैं और ये मेरा लैपटॉप बैग है और ये मेरा लाइट इलेक्ट्रॉनिक बैग है जिसमें मेरे कैमरास वगैरह है। बाकी जो आप सामान देख सकते हो ये वॉश बैग हो, सॉरी ये मेडिसिन बैग है, वॉश बैग है और बाकी मेरे जो वुलन लाइक कैप्स एंड ऑल मफलर्स हैं वो इसमें है।
तो यहाँ पे भी ज्यादा कुछ नहीं करने की जरूरत, ना ही आपको इसको लाइक बैंड करना है, नीचे करना है, कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज ऐसी रहती है, मतलब रेडी टू ड्राइव है, कहीं भी जाओ लेके चले जाओ और जहाँ मन करे आपका उतरो और सो जाओ, तो बिल्कुल सॉर्टेड है मेरा सीन। बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुझे अब तक जो सैजीफाई ने जितना सेटअप दिखाया बहुत ही शानदार लगा। आगे पूरा क्लीन है, सीट पूरी पीछे है, आप आराम से ड्राइविंग कर सकते हैं। इधर पूरा बेड ओपन हो रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप कोई चाहे तो पीछे सो भी सकते हैं। सैजी भाई अभी वैसे मैरिड तो नहीं है तो बच्चे तो नहीं हो सकते, कोई इनके फ्रेंड्स आ रहे हैं, कोई आ रहा है तो कोई सैजी भाई या कोई और ड्राइव कर रहा है तो पीछे एक या दो बंदे रेस्ट भी कर सकते हैं, सो सकते हैं। और बहुत ही क्लीन है डैशबोर्ड, इधर बेड का सेटअप भी बहुत क्लीन है। तो अभी ये तो हो गया आपके सेटअप के बारे में और स्पेस के बारे में, अभी बात करते हैं, पीछे चलते हैं और बात करते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी अरेंजमेंट्स के बारे में और वाटर अरेंजमेंट के बारे में। तो लाइट्स का भी मेरा सॉर्टेड है, मुझे पता है मुझे लैपटॉप चार्ज करना है या फिर लाइक मेरे एक्शन कैमरा है उसको चार्ज करना है, उसके लिए मैंने दो पावर बैंक रखे हुए हैं, एक 10,000 और एक 20,000। और सबसे पहले आती है लाइट की, ये मैंने ये USB की एक लाइट ऑर्डर की थी और इसको मैंने कार के सिस्टम से ऑन किया हुआ है, मतलब मुझे इग्निशन ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत ही कम लाइक वॉट लेती है, मे बी 3 or 5 में सफिशेंट है, और इससे बैटरी पे भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और इसमें मतलब चेंजेस भी हैं, आप इसका वॉर्म वाइट हो गया या फिर ये काफ़ी ज़्यादा लाइक कौन सा कलर होता है, कलर ही भूल गया, तो इसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी रख सकते हो। तो ये इनफ है मेरे लिए, बट मैंने बैकअप के लिए एक और लाइट रखी हुई है, इसको भी आप कार से मतलब मैं कार से चला सकता हूँ या फिर पावर बैंक से चला सकता हूँ, और इसकी भी काफ़ी ज़्यादा लाइट है, तो ये भी मैंने बैकअप के लिए रखी हुई है। और बैकअप के लिए मैंने टॉर्च भी रखी हुई है, ये यहाँ फ्रंट से टॉर्च है और इसकी रेंज में भी 1 किलोमीटर की है, और साइड में भी बहुत बड़ी ये लाइट का काम करती है, बहुत बढ़िया। और ये भी पूरा USB के थ्रू मतलब चार्ज वगैरह हो जाती है, तो इसमें भी कोई सीन नहीं है। तो इसके प्राइजेज और कहाँ से ये मिलेंगी लाइट्स वो भी बताइए। हाँ, मैं अभी आपको बता देता हूँ, एक मेरे पास 12 वॉट की ये पोर्टेबल मिनी बैटरी रखी हुई है जो कि मैंने साइड में रखी हुई है, किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ, और यहाँ पे हमने किया हुआ है देसी जुगाड़, ये देखो ये मैंने इसको यहाँ पे क्लैंप से लगाया और ये आपकी लाइट ऑन हो गई। इसको मैंने मतलब बैकअप के लिए रखा हुआ है, अगर मुझे वो लाइट बंद करनी है या उसको रेस्ट देना है कार को, तो ये मेड इन इंडिया LED है, दिखने में लगता है चाइनीज़ है बट ये मेड इन इंडिया है और बहुत ही सही है, मतलब एनर्जी एफिशिएंट है और बहुत ही कम एम्पीयर्स लेती है ये उस बैटरी से। तो इलेक्ट्रिसिटी का मेरा ये सब सॉर्टेड था। और आप पूछ रहे थे कहाँ से लिया है, ये भी मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया है, ये भी अमेज़ोन से परचेज़ किया है, वो भी अमेज़ोन से परचेज़ किया है, सिर्फ ये बैटरी एंड ये LED ये मैंने इलेक्ट्रॉनिक नियरेस्ट इलेक्ट्रॉनिक स्टोर से परचेज़ किया है, क्योंकि वहाँ पे ये बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे, अगर ऑनलाइन देखते हो तो वही सेम चीज़ आपको एक्सपेंसिव मिलेगी, तो वहाँ पे ये 2500 रुपीज़ की मिल गई थी। तो इलेक्ट्रिसिटी से मेरा सारा सॉर्टेड है, बहुत इजी है, ये था। बहुत बढ़िया, बहुत। और वाटर मैनेजमेंट इसमें कैसे कर रहा है? वाटर मैनेजमेंट का भी बहुत सॉर्टेड सीन है, एक तो मैंने ये पोर्टेबल रखा हुआ है, ये दिखने में छोटा है बट ये 20 लीटर आ जाता है इसमें। अच्छा, बहुत ठीक है। और इसमें से पानी निकाल दोगे ये बिल्कुल ऐसे प्रेस हो जाएगा, दब जाएगा। और एक मैंने आपको दिखाया था शायद, ये दोबारा दिखाऊं? हाँ, एक बार देख लेते हैं। ओके। तो ये भी अमेज़न से ही परचेज किया हुआ है, काफी शानदार चीज है, पोर्टेबल। इसका प्राइस क्या होगा ऑलमोस्ट? मे बी इसका प्राइस 500 था। ओके। ये 5 लीटर का बैग और ये 5 है, ये 20 है, तो ये मैंने पूरी वाटर जो है कैपेसिटी है पूरी हो जाती है। और मेरे सारे डोर्स पे ऑप्शंस हैं, तो मैं यहाँ पे बॉटल्स रख लेता हूँ, एक एक 1.5 लीटर की अप्रॉक्स 6 से 7 बॉटल्स तो मेरे डोर्स पे आ जाती हैं, और रही बची कुची मैं इसको या तो पीछे रख लेता हूँ या फिर इधर जो लैग स्पेस है वहाँ पे रख लेता हूँ। अच्छा, एक एक तो दो इजीली मैं अपने साथ 20 से 25 लीटर पानी कैरी कर सकता हूँ, 2-3 दिन का अरेंजमेंट शायद हो जाता है, इजीली हो जाता है। हाँ। क्योंकि पानी ये तो बेसिकली मैं लाइक बर्तन अगर वॉश करने हैं, बर्तन वॉश करने के लिए या फिर हैंड वॉश करना है, फेस वॉश करना है, उसके लिए यूज होता है। और पानी का मैंने सब विंडोज पे डोर्स पे लगाया हुआ है, और इसमें एक टैब भी लगा हुआ है जिससे पानी ये हाँ ये भी आ जाता है। बस ये इसका ये बेनिफिट है, अब मैंने इसको ऊपर रखा हुआ है, ये लीक नहीं कर रहा है। अच्छा, आपको कुछ वॉश करना है इसको नीचे रखो। अच्छा, इस तरह से कर दिया तो इसमें से पानी आने लगता है। और बहुत बढ़िया, बंद कर दिया, बहुत बढ़िया। और इसमें हैंडल भी है तो इसका भी बहुत ज्यादा
सही चीज़ है, मतलब पोर्टेबल है, ना स्पेस लेगा ना ही वेट है इसमें, और सॉलिड भी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सहजी भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना पूरा कार का सेटअप दिखाया, थैंक यू, और अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अरे कोई बात। तो सहजी भाई का भी एक यूट्यूब चैनल है, तो सहजी भाई अपना यूट्यूब चैनल एक बार बता दीजिए। मेरे चैनल का नेम है द लॉस्ट रोमर, द स्पेस लॉस्ट स्पेस ROAMER रोमर, और मैंने भी अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियोस, और भाई को इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना। हाँ, मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, तो ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले इतना बजट फ्रेंडली किफायती सेटअप देख पाएं, और उनको भी वो भी अपना फ्यूचर में कार कैंपिंग का प्लान कर रहे हैं तो इजीली आप वो कार सेटअप बनवा सके। एग्जैक्टली अगर मतलब कैंपिंग नहीं भी करते हो, ट्रैवल करते हो, तो एक सेटअप होना चाहिए आपके पास, क्योंकि अगर आपको कुछ भी खाना है, वही मैंने बताया था कि वो मैस्ड अप हो जाता है, लगेज में स्टोव यहाँ रखा हुआ है, खाने का सामान यहाँ रखा हुआ है, तो एक किचन सेटअप होना ही चाहिए। चाहे आप लाइक बैचलर हो या फिर फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो वो चीज़ होना चाहिए, और वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको बनवा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज हम भूल गए, हम मेंशन कर रहे हैं, हम इसका कॉस्ट कितना पड़ा टोटल आपको, इसकी जो टोटल कॉस्ट आई है मैट्रेस एंड ये पूरे किचन सेटअप की, रॉ मटेरियल लेबर कॉस्ट ओवरऑल मिला के 14,000 समथिंग थी, तो राउंड फिगर में 15,000 हो गई, तो ये सब 15,000 में आ गया। बाकी तो आपको पता ही है, जनरली डीकैथलॉन पे मिल जाता है टॉप और टेबल एंड चेयर, दैट्स इट। इसके अलावा मैंने और कुछ नहीं लिया, और ये लाइट्स वगैरह तो ये तो नेसेसरी थी बिल्कुल। तो और लेबर कॉस्ट इसमें कितनी थी और मटेरियल की कॉस्ट? लेबर मैं बताता हूँ, लेबर कॉस्ट इस सेटअप में 3500 थी, और ये 500 रुपीस का मैट्रेस था, क्योंकि मैट्रेस वाले ने ही बनाया था, और बाकी उसको माइनस कर दो 3500 प्लस 500 4,000 रुपए का पूरा इसका जो रॉ मटेरियल था। 18 mm का इसमें बोर्ड यूज हुआ है, फ्लोरिंग मैट यूज की है ये, और ये जो 40 डेंसिटी होती है मेरी उसका, इसमें 2 inch का फॉर्म यूज किया हुआ है, और ये फाइन क्लॉथ इसके ऊपर लगाया हुआ है, जिससे कि मैट्रेस भी खराब ना हो। अच्छा, ये वाटर प्रूफ है या फ्लोर मैट है? ये मे भी हो सकता है वाटर प्रूफ हो, क्योंकि वो फ्लोरिंग वाली जगह से ही मैंने इसको परचेज किया था, बट मैं एज सच इसके ऊपर पानी गिराया नहीं है। अच्छा। और इसका रीजन यही था कि ये रगड़ है, सपोज करो कि गद्दा नहीं भी यूज करो और बैठना है आपको, और कुछ चीज भी रखनी है, तो स्लिप नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं। तो माइका ना लगाने का यही रीजन था कि ये रगड़ है, स्लिप नहीं होगा कोई भी। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिर से, थैंक यू सो मच, और भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो भाई भी अपने साथ आगे भी हम लोग ट्रैवल करते रहेंगे, अब हम तो साथ ही कैंपिंग करेंगे, आज इसलिए हम सब लोग एक साथ हुए हैं, ग्रुप कैंपिंग कर रहे हैं, कि आगे भी हम अपना जो सर्कल है वो इंक्रीज करते रहें। थैंक यू सो मच, जल्दी, थैंक यू।